Hello friends, welcome to the today's session dots yani ki bindu jo ki design se ek design ka ek sabse chota unit hota hai. Dot pen pencil ya koi anya madhyam se lagaya gaya ek single point hota hai. It is the smallest of all visual elements in the vocabulary of design. Figure में मैंने आपको अलग-अलग तरीके से dot लगाना बताया है, जिसमें दो dot के बीच में दूरी है, दो dot समानता में place किए गए हैं, दो dots overlapping place किए गए हैं, और इन सब का जो प्रयोजन है लगाने का वो क्या दर्शाता है ये हम आगे समझते हैं. डॉट्स के बीच की दूरी, उनकी साइज, उनका प्लेसमेंट, ये सब हमें उनके अर्थ को बताने के लिए जरूरी होता है. इस तरह से हम डॉट के प्लेसमेंट के द्वारा कई प्रभाव हमारी इमेज में डाल सकते हैं. जैसे एकल बिंदु, सिंगल पॉइंट, अगर हम पेपर के सेंटर में लगाते हैं तो वो कामनेस को डिपिक्ट करता है, यानी शांति को दर्शाता है. लेकिन अगर वही डॉट हम पेपर के एज की तरफ, पेपर के किनारे की तरफ अगर लगा दें तो वह तनाव को क्रिएट करता है या तनाव को शो करता है, टेंशन को शो करता है. इसी तरह से अगर हम पिरामिड की शेप में डॉट्स को लगाएं तो वह ताकत को दर्शाता है, और अगर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाते हुए डॉट्स को, जैसा कि फिगर में बताया है, वह दर्शाएं तो वह विस्तारता को या फैलाव को दर्शाता है. इसी तरह से डॉट जब पास पास लगते हैं और जब दूर दूर हो जाते हैं तो वह लोनलीनेस को दिखाते हैं, पास वाले डॉट समीपता को दर्शाते हैं. इस तरह से हम डॉट्स का प्रभाव कई तरीकों से अपने डिजाइन में दिखा पाते हैं. अगर हम एग्जाम्पल के उदाहरण के स्वरूप देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो डॉट्स जो है हमारे आसपास के वातावरण में, नेचर में, कई ऐसी इमेजेस या कई ऐसे प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो सिर्फ डॉट की महत्ता को, डॉट की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं. पहला है रंगोली और अल्पना. रंगोली या अल्पना बनाते समय हम डॉट्स के थ्रू ही डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये डॉट हमारा डिज़ाइन ड्रॉ करने का एक माध्यम बन गया. उससे हम अपने फ्लोर पे जो शो करते हैं रंगोली और अल्पना के द्वारा, एक बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन को क्रिएट कर देते हैं. दूसरा है बाननी, साड़ीज एंड दुपट्टा. जो बाननी में जो डिज़ाइन बनती है वो आउटलाइन पे अलग अलग बिंदु को बांध के उस आउटलाइन को उभारा जाता है, तो वह हमारे कपड़ों में बिंदु को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण मेथड हो गया है. दूसरा, जो प्रिंटेड डिज़ाइंस में हम पोलका डॉट्स वगैरह पहनते हैं, पोलका डॉट्स यानी कलरफुल डॉट्स, एक पास पास दूरी पे, कुछ दूरी पे, तो हर एक का एक अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है, तो वह भी एक बहुत उपयोगी चीज़ है कि डॉट्स का हम कैसे अपने कपड़ों में उपयोग कर रहे हैं. इस तरह से अगर हम देखें तो आजकल की जो पेंटिंग्स हैं उसमें भी कलरफुल डॉट्स को छोटे बड़े करते हुए या सेम साइज़ के करते हुए अलग अलग चित्रों का उसमें से वर्णन करना, ये सारी चीज़ें जो है हमारी पेंटिंग्स को, हमारे जो सराउंडिंग्स है उसको एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देती है. तो साथियों, आज हमने डॉट्स के संदर्भ में बात की कि किस तरह से एक छोटा सा बिंदु भी हमारे डिज़ाइन के लिए महत्वपूर्ण होता है, और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा सत्र जानकारी दे लगा होगा. धन्यवाद.